तो EMF induced in a conductor moving in any direction in magnetic field में, केस नंबर वन, अगर आपकी रॉड मूव कर रही है ना यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी ऑफ वी, एक चीज याद रखना, कभी गलती नहीं होगी, मोशनल EMF के फॉर्मूले में जब आप EMF निकालते हैं P और Q बीच में BLD, तो उसमें V और लेंथ में एंगल हमेशा क्या होता है 90, तो आंसर क्या आएगा BLV। पहला केस तो क्लियर है। दूसरा वो कह रहे हैं जी रॉड थिन है, अब थिन रॉड मान लो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है या धागे ही धागे हैं, मीन्स लाइन्स ही लाइन्स जा रही हैं, और कोई थिन रॉड लेके देखो कैसे मूव करवा रहे हैं, ऐसे मूव नहीं करवा रहा, क्योंकि ऐसे मूव करवाने में वो लाइन्स को कट करता हुआ जाता है, वो कैसे मूव करवा रहा है, वो ऐसे मूव करवा रहा है, तो सोचो लाइन्स के साथ 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 चल रहा है किसी लाइन को बिना टच किए, तो कट ही नहीं कर रहा, टच ही नहीं कर रहा, तो EMF क्या होगी, जीरो। तो थ्योरी में क्लियर है, वो कट ही नहीं करेगा तो EMF क्या होगी, जीरो। और मैथमेटिकली अगर इतना नहीं सोचना तो एक शॉर्टकट बताता हूं, अगर वेलोसिटी और लेंथ सेम डायरेक्शन में है तो EMF पक्का जीरो, बात ही खत्म। वेलोसिटी और लेंथ सेम डायरेक्शन में है, EMF नहीं आएगी, वेलोसिटी लेंथ के हमेशा 90 डिग्री पे ही होनी चाहिए। पर कोई कहता है ये जी मोटी है वायर, मोटी है फिर डेवलप हो जाएगी इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, पर हम लेते नहीं, हम थिन वायर्स लेते हैं, थिन रॉड्स लेते हैं। क्लियर है यहां तक आ गया। अगर मान लो 90 और 0 के अलावा कोई और एंगल हो गया फिर, तो ये रॉड है और ये वी वेलोसिटी है, तो इसके मान लो थीटा एंगल है एल के साथ, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कॉस और एक साइन, तो कॉस वाला कंपोनेंट ईएमएफ पे कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा क्योंकि वेलोसिटी लेंथ के पैरेलल है, लेकिन साइन थीटा करेगा, तो वी साइन थीटा लेंथ के 90 डिग्री पे है, तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बनेगा, बीएलवी, नहीं बीएलवी साइन थीटा, क्योंकि वी साइन थीटा कंट्रीब्यूट करेगा। आंसर क्लियर है यहां तक। अब कोई कहता है जी मैं तो वायर ही टेढ़ी मेढ़ी लेके आया हूं, ये देखो ए और बी, तो कोई बात नहीं, लिया हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, एल इज अ डिस्प्लेसमेंट, तो ये एल डिस्प्लेसमेंट है, वी वेलोसिटी है, तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला लगा दो, एल और वी में एंगल 90 है, बी एल वी इज द आंसर। तो आपको टेढ़ी मेढ़ी वायर देखनी नहीं, आपको इनिशियल और फाइनल पोजिशन ही देखनी है। कोई कहता है वायर टेढ़ी मेढ़ी और मूव भी टेढ़ा मेढ़ा करवा रहा हूं, तो वी एंगल इस लेंथ, क्योंकि ए और बी को ज्वाइन कर लें लेंथ एल, तो वी एल के साथ एंगल थीटा बना रही है, तो इसके दो कंपोनेंट है वी कॉस थीटा, वी साइन थीटा, तो वी कॉस थीटा लेंथ के साथ है, ईएमएफ कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, वी साइन थीटा लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो मोशनल ईएमएफ क्या होगा, बीएलवी साइन थीटा, राइट। जैसे सपोज ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है, देखो इस क्वेश्चन में आपको एक सेमी सर्कल गिवन है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको एक सेमी सर्कल गिवन है ऐसे, और सेमी सर्कल का ये रेडियस क्या है, आर, ये पॉइंट क्या है, टी, ये पॉइंट क्या है, क्यू, ठीक है यहां तक। अब सपोज करो एक मिनट के लिए ये पूरा अरेंजमेंट राइट जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी नॉट, राइट जा रहा है, तो आपको यह बताना है कि P और Q के बीच में EMF इंड्यूस क्या होगी। अब लेंथ क्या लेंगे इसकी, लेंथ लेंगे 2R, P और Q को ज्वाइन करके 2R, एंड मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ V नॉट, तो मोशनल EMF क्या हो जाएगी, बोलो इसमें जीरो, क्योंकि वेलोसिटी अगर लाइन के साथ लेंथ के साथ सेम लाइन में है तो EMF तो जनरेट ही नहीं होती, तो आंसर क्या होगा, जीरो, राइट, क्लियर है। पर अगर मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने कहा कि मैं पी और क्यू में क्वेश्चन पूछता ही नहीं, मैं पूछता हूं सपोज एक और पॉइंट है एस, पी और एस के बीच में ईएमएफ क्या होगी, मुझे ये बता दो। तो अब पी और एस के बीच में अगर आपको ईएमएफ निकालनी है तो क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो ये आर, ये आर, तो ये क्या आएगा, रूट टू आर, रूट टू आर लेंथ है, और लेट अस सपोज मूविंग विद सम वेलोसिटी वी नॉट, तो ये वेलोसिटी वी नॉट है इसकी, अगर ये वी नॉट है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है या आइसोसेलस ट्राइंगल है आर और आर, तो ये एंगल क्या बनेगा 45, तो ये भी क्या बनेगा 45, तो वी नॉट का एक कंपोनेंट यहां जाएगा वी नॉट इनटू कॉस ऑफ 45, और एक कंपोनेंट यहां पे आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, वी नॉट इनटू साइन ऑफ 45। तो ईएमएफ पी और एस के बीच में क्या बनेगी,
मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है इसमें बोर्ड के अंदर, लेट अस सपोज कांस्टेंट बी, एल की जगह रूट टू आर, और वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर कितनी, वी नॉट साइन ऑफ 45, साइन 45 वन बाय रूट टू होता है आंसर। समझ में आ रहा है यहां तक कि लेंथ क्या लेनी है, बी क्या लेना है, क्लियर है यहां तक पहला आंसर। अब ये भी बता दो डायरेक्शन क्या होगी करंट की, पी से एस की एस से पी, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। बी बोर्ड के अंदर इस पे लगेगा, बी बोर्ड के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट, मोशन ऑफ कंडक्टर कहां, ये परपेंडिकुलर, क्योंकि राइट तीनों एंगल्स परपेंडिकुलर, तो बी वेलोसिटी कहां पर, इस तरफ, तो मोशन ऑफ कंडक्टर यहां, तो करंट कहां जाएगा इंड्यूस्ड, ऊपर। बी मोशन ऑफ कंडक्टर नीचे, तो करंट कहां जाएगा, पी से लेके एस, पी से लेके एस का मतलब यहां पे, तो यहां पे क्या जाएगा, इंड्यूस्ड करंट। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है, इंड्यूस्ड करंट कैसे गया, फ्लेमिंग के रूल से। और इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो लोअर पोटेंशियल वो हायर पोटेंशियल, राइट, क्लियर है यहां तक। सेम स्टोरी इसमें भी होगी, अगर मैं मैग्नीट्यूड पूछूं एस और क्यू का, तो आंसर सेम ही आएगा, बी आर वी नॉट, क्योंकि जो ज्योमेट्री यहां पर वही ज्योमेट्री यही बनेगी। डायरेक्शन बोलो करंट की इसमें क्या होगी, तो अगर मैं यहां पर ज्वाइन कर भी देता हूं ऐसे सच दैट ये वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट है, तो इसका एक कॉम्पोनेंट यहां जाएगा वेलोसिटी का, और एक क्या जाएगा इसके, परपेंडिकुलर जाएगा, ऐसे होगा ना, ये परपेंडिकुलर और ये लेंथ है। तो फ्लेमिंग का रूल लगाएं, फर्स्ट फिंगर बी, मोशन ऑफ द कंडक्टर परपेंडिकुलर, तो करंट कहां जाएगा, ऊपर, बी मोशन ऊपर, ऊपर का मतलब इंड्यूस्ड करंट कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर का मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव। अब जितना पोटेंशियल यहां डेवलप होगा उतना यहां डेवलप होगा नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस पी और क्यू का जीरो, वो तो हम एक लाइन में वैसे निकाल चुके कि आंसर जीरो था शॉर्टकट लगा के। राइट हैंड थंब रूल नहीं यूज कर सकते किसमें सर, इसी में डायरेक्शन निकालने के लिए? देखो अगर आप डायरेक्ट लगाते हो तो नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने राइट हैंड किया पर मैंने आधे पार्ट में अलग किया, आधे में अलग किया, क्योंकि आधे में करंट ऊपर जा रहा है और आधे में नीचे जा रहा है, एक बारी में यूज नहीं कर सकते, और वैसे भी एक बारी में करंट ही नहीं आ रहा, यूज कैसे करें। अगर P और Q की बात करते हो तो वैसे ही हमने मेथड नंबर वन में क्या किया था, आंसर EMF का जीरो था, तो उसमें तो वैसे ही लग नहीं रहा। लेकिन अगर मैं Q पॉइंट, ये S पॉइंट लेता हूं, तो इसमें अलग, इसमें अलग, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाया ना मैंने, B बोर्ड के अंदर है, वेलोसिटी इधर है, करंट इधर है, करंट इधर है, ये ना, समझ में आ रहा है यहां तक? ओके सर, ठीक। तो कैसे सोचते हैं, समझ में आ रहा है इसमें?